वेलकम। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो फ्लक्स वर्ड है आपका, ये वर्ड का मीनिंग होता है टू फ्लो, मतलब एक तरह से बहाव, किसी बहाव के बारे में ये बात कर रहा है। सो हमारे पास जो एनालॉजी है आपका बहाव को लेके, वो पानी है आपका, कि पानी बह रहा है आपका। सो बिफोर वी गो इनटू डीपली दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक वर्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम जाएं, उससे पहले हम ये पानी के बहाव वाला जो एनालॉजी है उसको समझ लेते हैं। सो इसके लिए हम मान लीजिए एक बहाव लेते हैं आपका, इस तरह से पानी मान लीजिए बह रही है आपका, ठीक है, इस तरह से बह रही है, और एक पर्टिकुलर सरफेस हम यहाँ पर ले लेते हैं। इस सरफेस से मान लो पानी बह रही है, और ये बह रही है आपका विथ वेलोसिटी वी के साथ, और ये जो एरिया है इस सरफेस का, इसको हम मान लो डेल्टा एस कहते हैं। सो अगर हम देखना चाहते हैं कि भाई ये बहाव ज़्यादा है, कम है, कैसा बहाव है, इसका रेट क्या है, ये स्पीड माने फ्लो आपका ज़्यादा हो रहा है या फ्लो कम हो रहा है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मान लो रेट ऑफ फ्लो से। हम रेट ऑफ फ्लो को देखना चाहते हैं। सो रेट ऑफ फ्लो देखने के लिए हम मैथमेटिकली क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि भाई कितना वॉल्यूम यहाँ से पास हो रहा है पर यूनिट टाइम। सो वॉल्यूम जो भी पास हो रहा है पर यूनिट टाइम, उससे हमें क्या मिलेगा, इसका हमें मिल जाएगा रेट कि कितना फ्लो आपका ज्यादा है या कम है। सो मान लो हम यहां पर टाइम यहां से शुरू करते हैं, और यहां से यहां एक डेल्टा टी समय में फ्लो को हम यहां पहुंचा देते हैं, ठीक है। सो फ्लो यहां से यहां पहुंच गया, और यहां से यहां जाने में जो समय लगा है वो मान लो डेल्टा टी समय लगा है, और वेलोसिटी कितनी वी है। सो डेफिनेटली ये जो दूरी है ये कितना होगा, वी डेल्टा टी। ना हम मान के चल रहे हैं कि भाई ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया भी ज्यादा बड़ा नहीं है, और दूसरा ये समय बहुत ही कम है, दिस डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, ये हम मान के चल रहे हैं। सो ऑल द फैक्टर्स जो हम लेके चल रहे हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा अगर हम ऐसा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो। सो अब हम यहाँ पे वॉल्यूम लिख सकते हैं, वॉल्यूम हमें कितना मिल जाएगा, एरिया है डेल्टा एस, यहां से यहाँ की डिस्टेंस होगी वी डेल्टा टी। सो ये वॉल्यूम हमें मिल गया डेल्टा एस वी डेल्टा टी, और समय कितना लगा है, दैट इज डेल्टा टी। सो हमें जो रेट ऑफ फ्लो मिल जाता है वो कितना मिल जाता है, वी डेल्टा एस। सो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि लिक्विड फ्लो का, पानी का फ्लो का क्या आपका रेट है, या कम फ्लो हो रहा है या ज्यादा फ्लो हो रहा है। नाउ इसी से सिमिलर एक फैक्टर हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए। वहां पर हम जो बहाव लेते हैं वो लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि फील्ड लाइंस आपका पास हो रही हैं, तो एक पर्टिकुलर सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ज्यादा पास हो रही हैं या कम पास हो रही हैं। और इसी के स्टडी को, इसी सब को जो कंबाइन करते हैं तो हम क्या वर्ड हमें मिल जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर सरफेस। नाउ जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर जाते हैं, वहां पर दो फैक्टर्स आपका डिसाइड करते हुए हमें दिखाई देते हैं कि ये फ्लो ज्यादा होगा या कम होगा। ये दो फैक्टर है आपका E, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड दूसरा है आपका डेल्टा S, वो एरिया जिससे फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करते हैं, वैसे E क्या है आपका, E है उस फील्ड की ताकत। सो E ज्यादा होना माने फील्ड स्ट्रांग है, मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है, E का वैल्यू कम होना मतलब वो आपका वीक फील्ड है। सो हम पहले ले लेते हैं एक मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड को लेते हैं। सो यहाँ हमने लाइंस को काफी क्लोज बना दी हैं, और ये लाइंस आपका रिप्रेजेंट कर देता है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड को। और सिमिलरली हम ले लेते हैं एक सिचुएशन जिसमें लाइंस आर फार अपार्ट, ठीक है। अब इसमें हम एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं, कोशिश करेंगे कि एरिया लगभग एक जैसा ही बने। सो एक पर्टिकुलर एरिया हम ले लेते हैं इस तरह से, और उतना ही एरिया हम यहाँ ले लेते हैं। सो हम पाते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे लाइंस ज्यादा पास हो रही हैं, यहाँ लाइंस कम पास हो रही हैं। सो जो फ्लो है, कितना फ्लो हो रहा है या लाइंस कितनी पास हो रही हैं, उसमें एक फैक्टर जो डिसाइडिंग करता हुआ हमें दिखाई देता है वो है इसकी ताकत। फील्ड अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा लाइंस पास होंगी, फील्ड अगर वीक होगा तो कम लाइंस पर्टिकुलर उतने ही एरिया से पास होंगी। अब हम आते हैं डेल्टा एस फैक्टर पे, जो एरिया फैक्टर है। सो अगेन इसमें हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने शो कर दिया, और इसमें हम दो टाइप के एरिया लेने की कोशिश करते हैं, एक एरिया जो छोटा है, दूसरा जो बड़ा है। सो आई थिंक ये क्लियरली हमें यहाँ दिखाई देता है कि जो छोटा एरिया से कम लाइंस पास हो रही हैं और बड़ा एरिया हो गया तो
जाहिर सी बात है लाइंस ज़्यादा हो जाएंगी। सो हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि आपका बेसिकली क्या है, फ्लक्स है, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता हुआ दिखाई देता है, ई एंड डेल्टा एस। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इंटू डेल्टा एस। अब सेपरेट की जगह हम एक साथ इनको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी देम टुगेदर। सो हमने एक मान लो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लिया और इसमें हम एक पर्टिकुलर एरिया इस तरह से ले लेते हैं, ओके। सो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया जिसकी ताकत है ई, और ये एरिया जो कि है डेल्टा एस, ठीक। सो यहां से एक पर्टिकुलर लाइंस आपका हमें दिखाई देती है कि लाइंस पास हो रही हैं, और वही लाइंस इसका फ्लक्स है आपका, इस सरफेस का फ्लक्स, ये लाइंस आपका बता देंगे कितनी लाइंस पास हो रही हैं। और अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से हमें पता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो प्रोपोर्शनल है ई और डेल्टा एस के ऊपर, ठीक है। सो ये दो फैक्टर हमें डिसाइड करते हुए दिखाई देते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ना इनका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। ये जो हमारा सरफेस है इसका ओरिएंटेशन हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। सो ओरिएंटेशन ये इस तरह से है ना, इस तरह से है, इसको हम थोड़ा ऐसे करने की कोशिश करते हैं, इस तरह से कर देते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा टिल्ट कर दें आपका इस तरह से, ठीक है, सो हम पाते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में अब कम लाइन्स यहाँ से पास हो रही हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो यहाँ से, हमने एरिया सेम रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रखा है, एवरीथिंग इज सेम। इस सिचुएशन में एरिया जो है, मैग्नीट्यूड ये और ये सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत भी सेम है, पर अभी हम पाते हैं कि लाइन्स चेंज हो गई, मतलब यहाँ से फ्लक्स कम पास हो रहा है, यहाँ से फ्लक्स ज़्यादा पास हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया ही डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, इस एरिया का ओरिएंटेशन भी डिसाइड कर रहा है कि फ्लक्स ज्यादा होगा या कम होगा। सो ओरिएंटेशन के लिए हम मैथमेटिकली जो सिंबल यूज करते हैं दैट इज थीटा, एंगल, है ना, एंगल बताता है कि वो किस तरह से दो फैक्टर्स किस तरह से ओरिएंटेड है, ठीक है, दोनों के बीच में जो ओरिएंटेशन वो किस तरह का है, वो फैक्टर थीटा है। सो डेफिनेटली यहां एक थीटा आने वाला है आपका, ठीक है, वो थीटा क्या है, इसका एरिया का ओरिएंटेशन है। नाउ अगर हम एक और स्ट्रक्चर ले लें एक तरह से, और इस तरह से हम फील्ड लाइंस रखते हैं, अब इस एरिया को हम क्या करते हैं, इस तरह से ले लें, अगर इस तरह से एरिया ले लें, सो अगेन हमने कोशिश की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहां भी सेम है, ठीक है, ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ताकत सेम है आपका, ये एरिया भी आपका तीनों सेम है, सो दिस इज ऑल्सो डेल्टा एस, दिस इज डेल्टा एस, दिस इज डेल्टा एस, ये भी डेल्टा एस, ये फर्स्ट सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन में, ये तीनों में हमने ई और डेल्टा एस को सेम रखा है, पर यहां हम पाते हैं कि यहां तो कोई फ्लक्स नहीं है, मतलब यहां पर कोई भी लाइन से पास नहीं हो रही है, ठीक है। सो डेफिनेटली ओरिएंटेशन एक फैक्टर है जो फ्लक्स को डिसाइड कर रहा है। पर अगर हम डायग्राम को देखें, सो जब इस तरफ से है, इस तरह से आपका एरिया है, तो ये मैक्सिमम लाइंस पास हो रही हैं, ऐसा होने में वो लाइंस थोड़ी कम हो गई और यहां होने में लाइंस जीरो हो गए। अगर हम इस सरफेस से एक नॉर्मल खींचते हैं, मान लो इस तरह से तीनों सरफेस से हम मान लो इस तरह से एक नॉर्मल खींचते हैं, है ना, एक नॉर्मल हमने खींचे, तो यहां जो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ये नॉर्मल का जो एंगल वो कितना है, जीरो डिग्री है। यहां हम बोल सकते हैं मान लो कोई एंगल थीटा है, और यहां वही थीटा आपका एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। सो क्लियरली हमें दिखाई देता है कि जब थीटा जीरो है तो मैक्सिमम लाइंस पास हो रही है, थीटा 90 होते ही आपका लाइंस मिनिमम या जीरो हो जा रही है। सो जो फैक्टर हमें दिखाई देता है आने वाला है, दैट फैक्टर इज कॉस ऑफ थीटा, जो कि जीरो पे मैक्सिमम है और 90 डिग्री पे जीरो हो जा रहा है आपका। सो अब हम एक फैक्टर यहां जोड़ सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो एक और फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज कॉस थीटा। सो जो फ्लक्स आपका है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ताकत पर डिपेंड किया, एरिया पर डिपेंड किया, और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से आपका है, ठीक है, उनके एंगल कितना है दोनों के बीच के डायरेक्शन का, वो आपका भी डिसाइडिंग फैक्टर है फॉर फ्लक्स। नाउ जब हम थीटा यहां पर लेकर आए हैं, तो इस थीटा के कारण एक नया क्वांटिटी आपका अपने आप चला आता है, एंड दैट क्वांटिटी इज एरिया वेक्टर, है ना, वो क्वांटिटी आपका आता है एरिया वेक्टर।
एरिया वेक्टर को हम ऐसे डेल्टा एस इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या डीएस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं आपका। ये एरिया वेक्टर क्या है, क्योंकि ये वेक्टर है सो डेफिनेटली इसके दो पार्ट हो जाएंगे आपका, ठीक है। एक पार्ट आपका होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। जो कि जनरली किसी भी वेक्टर को दो तरीके से डिफाइन किया, माने रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ऐसे ही हम एक एरिया मान लो इस तरह से ले लेते हैं, ये एक एरिया या इस तरह से एक एरिया ले लिया। इसका जो वैल्यू है एरिया का, ये मान लो डेल्टा एस है, ठीक है, दैट वैल्यू इज डेल्टा एस। सो मैग्नीट्यूड हो गया डेल्टा एस। सो मैग्नीट्यूड मतलब जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं, रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेड, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर, वो मैग्नीट्यूड आपका जो वैल्यू आप निकालते हैं दैट बिकम्स दिस डेल्टा एस। और डायरेक्शन जो लिया जाता है वो सरफेस से नॉर्मल, ठीक है, सरफेस से नॉर्मल वो डायरेक्शन लिया जाता है। सो डायरेक्शन कौन सा हो गया, नॉर्मल। इफ यू कंबाइन हमें मिल जाता है एरिया वेक्टर एस डेल्टा एस एन कैप। सो इस तरह से मैथमेटिकली एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, हैविंग दिस मच मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। सो इस तरह का अगर आपके पास सरफेस हो तो आपका जो फ्लक्स है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, इस तरह से हम फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर अगर मान लो जो सरफेस है वो इस तरह का ना हो कि आपका कर्व हो जाए, ठीक, मान लो ऐसा कर्व सरफेस है, इस तरह का कर्व सरफेस आपका एरिया ले लेते हैं, ऐसा कर्व स्ट्रक्चर ले लेते हैं इस तरह का, और उससे अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, हमें वहां नॉर्मल देखना हो तब क्या होगा। क्योंकि अगर इस तरह का मान लो कर्व सरफेस, इस तरह का कर्व सरफेस हो जाए तो आप पाएंगे कि एक का नॉर्मल इधर जा रहा है, एक का नॉर्मल इधर जा रहा है, एक का नॉर्मल इधर जा रहा है ना, लेके देखते हैं हम। सो इस तरह से हम मान लो इस तरह से हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको इमेजिन करना होगा, थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर है आपका, ऐसे उठा हुआ है, ठीक है, इधर से उठा हुआ है, इधर से उठा हुआ है तो इधर बाहर नॉर्मल इधर हो जाएगा, इधर इस तरह से उठा हुआ है तो नॉर्मल इधर हो जाएगा आपका, इधर नॉर्मल हो जाएगा। सो नॉर्मल तो अलग अलग जा रहे हैं अलग अलग जगह पे। सो ऐसे स्ट्रक्चर में हम कैसे एरिया वेक्टर असाइन करें, एक पर्टिकुलर वेक्टर कैसे असाइन करें एरिया को, है ना, यहाँ तो अलग अलग डायरेक्शन में नॉर्मल आपका जा रहे हैं, ठीक। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में ब्रेक करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में इसको हम ब्रेक कर देते हैं। सो यहाँ एक एरिया एलिमेंट ऐसे दे दिया, यहाँ एक एरिया एलिमेंट दे दिया, यहाँ एक एरिया एलिमेंट, ऐसे स्मॉल एरिया एलिमेंट ऐसे हमने असाइन कर दिया डेल्टा एस से, ठीक, ये हमने ऐसे डिफरेंट एरिया एलिमेंट को असाइन कर दिया और उनका पर्टिकुलर डायरेक्शन ये देगा आपका। सो इसके लिए जब हम लिखेंगे फ्लक्स सिर्फ इस पार्ट के लिए, सो दैट डेल्टा फाई शुड बी ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है। सो हमें मिल गया इस पार्ट के लिए फ्लक्स ई डेल्टा एस, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस एरिया इस सरफेस से पास हो रही होंगी या इसके अराउंड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो ये वैल्यू है, डेल्टा एस इसका मैग्नीट्यूड हो गया एरिया का, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड एरिया, ठीक है, एरिया वेक्टर दैट इज नॉर्मल। पर यहां एक अप्रोक्सीमेशन हम ले रहे हैं, वो अप्रोक्सीमेशन क्या ले रहे हैं कि थ्रू आउट दिस डेल्टा एस ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, मतलब हम बोल रहे हैं कि ये जो भी पर्टिकुलर एरिया है ना, ये पूरे एरिया में थ्रू आउट दिस एरिया ई इज कॉन्स्टेंट, ये लेके हम चल रहे हैं तभी हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक। सो इसके लिए हमें ये मानना होगा कि दिस डेल्टा एस इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, तब हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि भाई थ्रू आउट दिस सरफेस ये कॉन्स्टेंट है। और ऐसा भी कि अगर ये बहुत ही छोटा होगा तब हम इसको प्लानर मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक इससे पहले जो हमने ये लिखा था वो प्लानर सरफेस के लिए ऐसे लिखा था, ठीक है, या इस तरह से एक प्लानर सरफेस ले लिया इस तरह का सर्कुलर फॉर्म में, वैसा ले लिया आपका, ठीक है। तो अब हम इस छोटे, अगर वो भले आपका ऐसे कर्व पार्ट का हिस्सा हो, वो डेल्टा एस ऐसा कर्व पार्ट हो उसका छोटा सा हिस्सा हो, पर क्योंकि वो बहुत छोटा है तो उसको हम प्लानर मान सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से उसके फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये हमारा फ्लक्स इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाता है। पर अगर हम अगर हमें चाहिए कि पूरे सरफेस का हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या पूरे सरफेस का कितना फ्लक्स होता है अगर वो हम निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा, तब हमें क्या करना होगा, सारे जो डेल्टा फाई हैं सबको जोड़ना पड़ेगा, सारे डेल्टा फाई को जोड़ के हमें पूरे सरफेस का, पूरे स्ट्रक्चर का फ्लक्स हमें मिल जाएगा।
ठीक है। सो अगर हम सारे डेल्टा फाई को जोड़ देते हैं तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाता है। उस टोटल फ्लक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द ई डेल्टा एस कॉस ऑफ थीटा, या क्योंकि ई डेल्टा एस कॉस थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आपका ई डॉट डेल्टा एस, है ना, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं ई डॉट डेल्टा एस ई डी एस ई डेल्टा एस कॉस ऑफ थीटा। ना यहां आप देख रहे होंगे मैंने यहां एक अप्रोक्सीमेशन साइन लगाया है। ये अप्रोक्सीमेशन साइन इसीलिए लगाया गया है क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट दिस डेल्टा एस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, तो हमारा जो अप्रोक्सीमेशन है वो एग्जैक्ट कब होगा, ठीक है, वो एग्जैक्ट के करीब कब पहुंचेगा। सो अगर हम चाहते हैं कि ये अप्रोक्सीमेशन और ज्यादा एग्जैक्ट हो जाए तो हमें मान के चलना होगा दिस डेल्टा एस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। सो ये डेल्टा एस जितना स्मॉल होगा, जितना छोटा होगा, उतना ये वैल्यू हमारी एग्जैक्ट के करीब हो जाएगी, ठीक है। सो मैथमेटिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इफ डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो, है ना, तब ये हमारा जो फ्लक्स है वो एग्जैक्ट के करीब आ जाता है और तब हम इस पूरे चीज को लिख सकते हैं एज लाइक दिस, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हम मान के चले दिस डेल्टा एस इज वेरी वेरी स्मॉल, यू नो डी एस एम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट स्मॉल एरिया एलिमेंट को, अगर वो बहुत ही छोटा हो जाए मीन्स टेंड्स टू जीरो मीन्स वेरी स्मॉल, तब हम कह सकते हैं कि नाउ आवर वैल्यू इज मोर एग्जैक्ट, ठीक है, और ये आपका हो जाता है फ्लक्स का आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक। सो आज इस वीडियो में हमने फ्लक्स को डिटेल में देखा है, अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।